आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं विंडो एसी का जो एरर कोड्स है वो एरर कोड्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आप जो है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो जो है आप E1 और E2 जो है विंडो एसी में देखने को हम लोगों को मिलता है। तो E1 और E2 का क्या मतलब है, क्या चेंज करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर E1 का अगर एरर आता है आपके एसी विंडो एसी में, तो उसका जो है आप जो है रूम टेम्परेचर सेंसर जो होता है उसे आप चेंज करेंगे, प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि जैक अच्छे से नहीं लगता है, उस कारण भी ये एरर आता है। ठीक है, या फिर कहीं से कटा हुआ हो सेंसर आपका एसी का जो है कटा हुआ रहेगा, फिर भी ये एरर शो करेगा E1 और E2। ठीक है, E1 तो आपका हो गया रूम टेम्परेचर सेंसर, आप चेंज करेंगे प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरा हो गया आपका E2, E2 का जो एरर है वो आप जो है कॉइल टेम्परेचर सेंसर चेंज करेंगे, ये मसला। E3 विंडो एसी में जो है E3 का अगर एरर आता है, तो इसका जो प्रॉब्लम है ये आप जो है विंडो एसी को अगर अच्छे से सर्विसिंग करेंगे तो ये जो मसला है ये हल हो जाएगा। फिल्टर बहुत ही ज़्यादा डस्टी हो जाता है, चॉक हो जाता है, तो ये एरर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आप जो है अच्छे से मशीन को जो है एसी विंडो एसी को है सर्विसिंग करेंगे, ये एरर जो है E3 का एरर जो है वो चला जाएगा, शॉर्ट आउट हो जाएगा। E5 का एरर, ठीक है, विंडो एसी में E5 का अगर एरर आता है तो सबसे पहले आपको देखना है विंडो एसी का जो एयर थ्रो है वो अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा, हवा फेंक रहा है या नहीं फेंक रहा है। E5 का जो एरर है, अगर आपका विंडो एसी का ब्लोअर मोटर फॉल्टी रहेगा तो ये एरर आएगा, या फिर कंप्रेसर नहीं चलेगा, किसी वजह से नहीं चलेगा, तो ये E5 का एरर आता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से चेक कर लेनी है, आपका ये जो है प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा।